तब आप देख रहे हैं अपन ने इस वाले स्टेप पे क्लिक किया। अब अपन यहाँ से राइट लेफ्ट करते हैं, देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है, देखिए अभी भी कौन सा चेंज हो रहा है, सिर्फ यही वाला। ठीक है, अपन ने सिलेक्ट कौन सा किया था, ये वाला आपका इस साइड जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा। आप इससे यूज करेंगे मूव अप और डाउन। देखिए अब यहाँ से इन दोनों स्टेप में चेंज हो रहा है जो आपका सिलेक्ट है। अपन इन दोनों को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव अप और डाउन का यूज कर लेंगे, तो यहाँ से वो चेंज हो जाएंगे। राइट लेफ्ट में क्या होता है, ये वाला आपको जैसे कि इसके बाद रखना है। ठीक है, ये वाला अपन चाहते हैं जहाँ लोगो है वहां आ जाए, तो आपने यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया, देखिए चेंज हो गया। अब अपन चाहते हैं ये आपका लास्ट में चला जाए, तो आपका ये सिलेक्ट है, आप क्या करेंगे मूव अप पे क्लिक कर देंगे, देखिए वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो भी शेप आप जहाँ पे मूव करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन राइट लेफ्ट से क्या होता है, सिर्फ राइट और लेफ्ट वाला यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना, इतने में कोई डाउट है, कर लेंगे आप ये वाला ग्रुप क्रिएट ग्राफिक वाला। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेआउट ग्रुप। लेआउट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है चेंज लेआउट, आप इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं अपन ने स्मार्ट आर्ट में ये वाला लेआउट इसमें सेलेक्ट किया था, आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज लेआउट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अपन इसको यहाँ पे मूव करके रख लेते हैं, देखिए अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए लेआउट चेंज हो रहा है इसका। आप जिस भी टाइप से इसका लेआउट यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जैसे अपन ने इस पे क्लिक किया, देखिए लेआउट यहाँ पे चेंज हो गया। आप इसका लेआउट कुछ और लेना चाहते हैं, आप यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, इस टाइप से इसका लेआउट यहाँ से चेंज हो जाएगा। जो भी लेआउट आप इसमें यहाँ पे लेना चाहते हैं आप इसका लेआउट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है इतना। फिर इसमें आपका नेक्स्ट है चेंज कलर। अब अपन इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कलर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना, आप यहाँ से कलर इसमें सेलेक्ट कर लेना, आपको जो भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको वो कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप जो भी कलर लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे, देखिए कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। आप स्मार्ट आर्ट की स्टाइल क्या लेना चाहते हैं, अपन इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, आप तो 3D स्टाइल लेना है तो यहाँ पे आपको 3D स्टाइल देखने को मिल रहे हैं, आप जो भी स्टाइल इसमें लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाएगी। कोई तो और स्टाइल लेना है तो आप उस पर यहाँ से क्लिक कर देंगे, स्टाइल चेंज हो जाएगी। इतना कर लेंगे आप लोग। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक। आप देख रहे हैं अभी अपन ने इससे कलर यहाँ से चेंज किया था और स्टाइल चेंज की थी, आप रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे, इसका कलर और स्टाइल जो आपने सिलेक्ट की थी वो रीसेट हो जाए, मतलब वो नॉर्मल हो जाए। जैसे अपन ने इसमें यहाँ से कलर चेंज किया था और इसकी स्टाइल अपन ने यहाँ से चेंज कर दी, अब आप जैसे ही रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे वो बता रहा है आपको, आप रीसेट ग्राफिक पे माउस पॉइंटर ले ही जा रहे हैं, तो देखिए नीचे लिखा आ रहा है डिस्टर्ब ऑल ऑफ द फॉर्मेटिंग चेंजेस, जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है वो पूरा हट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अपन ने इस पे क्लिक कर दिया तो वो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू शेप। अगर आप इसे शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो देखिए आपके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं आप कौन से आ रहे हैं, शेप वाले। जब अपन शेप लेते थे तब आपको यही ऑप्शन देखने को मिलते थे, इस टाइप से वो यहाँ से शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग इतना, आपका डिजाइन टाइप कंप्लीट हो गया। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आप में किसी को इन ऑप्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं। आइए बता दें कि आज के लिए इतना ही बहुत है, नहीं बताना आज, ठीक है इतना आप लोग कर लेना। अपन फॉर्मेट टैब चल सीख लेंगे, ठीक है फॉर्मेट टैब हम आपको चल बता देंगे, इतना अभी आप यहाँ तक रिविजन कर लेना। इसके अलावा आपको इससे पहले जो हमने सीट बताई थी उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कौन सा फॉर्मूला बताना, देखिए सप्ली का फॉर्मूला होता है इक्वल COUNT काउंट IF शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप काउंट इफ लिखेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अपन यहाँ से सब्जेक्ट के नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कॉमा लाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर आप लिखेंगे लेस देन 30।
33 इनवर्टेड कॉमा क्लोज, मतलब अगर 33 से हम जिस भी सब्जेक्ट में नंबर आए उसमें सब ले आएगी। अपन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे शिफ्ट के साथ जीरो से, जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे सप्ली आपको देखने को मिलेगी। तीन सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं, इसमें 21 है, 30 और 25, 33 से सम है। अगर अपन इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं, हमने इसको कर दिया 45, देखिए सप्ली सम हो गया। अब दो सब्जेक्ट में अपन इस पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे, ये होता है आपका सप्ली का फॉर्मूला। अब आपको रिजल्ट निकालना है तो आप इक्वल लगाते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे आई एफ इफ शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन सप्ली का सेल एड्रेस लेस देन इज इक्वल 0 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर 0 या 0 से कम सब्जेक्ट में सप्ली है तो स्टूडेंट पास है, ठीक है। फिर आप यहाँ लाएंगे कॉमा आई एफ इफ शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन सप्ली का सेल एड्रेस लेस देन इज इक्वल 2, अगर 2 या 2 से कम में सप्ली है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन सप्ली। 2 या एस सब्जेक्ट में सप्ली आती है तो स्टूडेंट की सप्ली रहती है। फिर आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और कॉमा, फिर आप लिखें इफ शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन सप्ली का सेल एड्रेस लेस देन इज इक्वल 3 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन फेल। अच्छा 3 सब्जेक्ट में सप्ली है स्टूडेंट फेल होते हैं, आप यहाँ लिखेंगे फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार आप शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 3 बार ओपन किया था 3 बार क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसे यहाँ पर ट्रैक कर देना, कर लेंगे अब आप लोग इतना। इतने में कोई डाउट हो या इससे पहले वाले किसी ऑप्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे।